क्या आपके बच्चों में भी अति चंचलता के लक्षण हैं? अति चंचलता मतलब क्या? ऐसे बच्चे क्लास में अपने ब्लैकबोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर ध्यान देते रहते हैं, बार बार बाथरूम ब्रेक लेंगे, और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो टिफिन, नोटबुक, पेंसिल इत्यादि चीज़ें अपने क्लास में भूल के घर पर आ जाते हैं। ये बच्चे स्कूल में दूसरों बच्चों को टकली मारते हैं, चिमटी लेते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो दूसरे बच्चों से मारपीट करते हैं, कहीं भी चढ़ जाएंगे और पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। इसकी वजह से बहुत बार पेरेंट्स को या टीचर की तरफ से कंप्लेन आता है कि आपका बच्चा बहुत शरारती और नटखट है। ये बच्चे घर में भी एक जगह पर शांति से बैठते नहीं हैं और होमवर्क करते टाइम होमवर्क आधे में ही छोड़ के इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन टीवी और मोबाइल के सामने घंटों बैठे रहते हैं। और ये बच्चे किसी चीज़ से डरते नहीं है, ऊंचाई से नहीं डरते, साइकिल को बिल्कुल तेज स्पीड में चलाने से डरते नहीं डरते, और फटाके हाथ में लेके भी फोड़ने में डर नहीं लगता इन्हें। घर के बाहर अनजान लोगों से बात करने में भी ये कतराते नहीं हैं, कुत्ते बिल्ली के पूंछ पकड़ के खींचते हैं। माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा ठीक है, जस्ट थोड़ा चंचल ही तो है, लेकिन इस चंचलता की वजह से उनकी पढ़ाई खराब हो सकती है। ऐसे समय में माँ बाप को साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए।